जी हाँ, आपकी आंखों ने ठीक देखा है। ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं और तस्वीर एक पार्टी की है। दरअसल राहुल गांधी का पब में पार्टी करते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर यह वीडियो छाया हुआ है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट कर राहुल पर तंज कसा। इस बीच कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि राहुल एक दोस्त की शादी में हिस्सा लेने गए थे और शादी समारोह में जाना अब तक तो अपराध नहीं है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी का एक लड़की के साथ बात करते हुए वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जब मुंबई पर हमला हुआ तब भी राहुल एक नाइट क्लब में थे, जब उनकी पार्टी में घमासान छिड़ा है तब भी वो वहीं हैं, उनमें निरंतरता है। इसके बाद राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस की सफाई आई है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि राहुल गांधी मित्र देश नेपाल में एक निजी शादी समारोह में हिस्सा लेने गए हैं। सुरजेवाला ने तंज भरे अंदाज में कहा कि राहुल पीएम मोदी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ केक काटने नहीं गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि निजी शादी समारोह में जाना अब तक तो अपराध घोषित नहीं हुआ है। राहुल के इस वायरल वीडियो पर बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए, और वहां से जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। आदरणीय मित्र, जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून ये था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते हैं। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को ये बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस प्रकार से बदल लें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लगातार पार्टी, छुट्टियां, प्लेजर ट्रिप, प्राइवेट फॉरेन विजिट्स आदि अब देश के लिए कोई नई बात नहीं है। काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक राहुल काठमांडू में सीएनएन की रिपोर्टर रही सुमनिमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए गए हैं, जो नेपाल में म्यांमार के राजदूत की बेटी है और यह उनका निजी दौरा है। सीएनएन की पूर्व रिपोर्टर सुमनिमा उदास का विवाह नीमा मार्टिन शेरपा से हो रहा है। दुल्हन के पिता भीम ने बताया कि विवाह समारोह मंगलवार को होना है और 5 मई को बौद्ध स्थित हयात रेजेंसी होटल में एक रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। राहुल के इस वीडियो पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी करना या किसी की शादी समारोह में जाना निजी मसला है तो उस पर हाय तोबा क्या मचाना, लेकिन बीजेपी को ये एक वीडियो हथियार की तरह मिल गया है और राहुल गांधी के खिलाफ इस वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।